हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं वो दुनिया का फोर्थ सबसे बड़ा आइलैंड है। एक ऐसा देश जहाँ महिलाएं और पुरुष लगभग एक तरह के ही कपड़े पहनते हैं। एक ऐसा देश जहाँ की खूबसूरती के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस आइलैंड कंट्री में कई ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि इंसानों के इलाज में बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक देश मैडागास्कर के बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें बताने वाला हूँ, तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मैडागास्कर, जो कि ईस्ट अफ्रीका का एक कॉन्टिनेंट है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है, जो 5,92,800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश की कुल जनसंख्या है 2,78,00,000। आबादी के मामले में ये देश दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में 51वें नंबर पे आता है। इस देश में 39% लोग शहरी एरिया में रहते हैं तो 61% लोग गाँव में। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैडागास्कर बहुत ही युवा देश है। इस देश की जो औसत एज है वह सिर्फ 19.6 महीने। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में यह देश कितनी तरक्की कर सकता है, बशर्ते यहाँ की सरकार सही तरीके से यूथ एनर्जी को यूटिलाइज कर ले। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन मैडागास्कर और इंडिया के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है। जी हाँ, ये बात भी सच है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस देश के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये माना जाता है कि 88 मिलियन साल पहले मैडागास्कर भारत का हिस्सा था। अमेजिंग है ना? दोस्तों, ग्रीनलैंड, पापुआ न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद मैडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। इस देश का कोस्ट लाइन करीब 5,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस आइलैंड पे आपको सब कुछ मिल जाता है, यानी कि वोल्केनो से लेकर खेती करने वाली जमीन और बड़े बड़े जंगलों तक। इस देश में बसने वाले लोग बोर्नियो द्वीप से आए, जो अब ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच विभाजित है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैडागास्कर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के बच्चे हों या बूढ़े, या फिर महिला या पुरुष, सब एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। जी हां, यहां आपको सब एक ही जैसे कपड़ों में मिलेंगे। जी नहीं, आप में से किसने कहा कि यहाँ टेलर की कमी है? ऐसी बात नहीं है, यहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ सब एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। इस पोशाक को स्थानीय भाषा में लांबा कहा जाता है। इस कपड़े को लेकर यहाँ के लोगों के बीच ऐसा नशा है कि जो इंसान मर जाते हैं उन्हें भी यही कपड़ा पहनाया जाता है। इस देश में एक बेहद ही अजीब त्यौहार मनाया जाता है जिसे फामाटिनीमा कहा जाता है। अजीब ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहले लोग अपने पूर्वजों की लाशों को कब्रिस्तान से निकालते हैं और फिर उनको मैदान में रखकर आसपास डांस करते हैं, और 3 से 4 घंटे के बाद पूर्वजों की लाश को नए लांबा में लपेटकर पूरे अच्छे तरह से फिर से दफना देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैडागास्कर को दुनिया में रेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, एक ऐसा आइलैंड जहां की मिट्टी रेड है। नाना भाई, महाभारत की लड़ाई मैडागास्कर में नहीं लड़ी गई थी। दरअसल यहाँ की मिट्टी ही लाल है, जैसे मुंबई की मिट्टी लाल है वैसे ही मैडागास्कर की मिट्टी भी लाल ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसी मिट्टी पे उगते हैं दुनिया के कुछ सबसे अच्छे आयुर्वेदिक पेड़, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आपको इस बात से समझ आ गया होगा कि मैडागास्कर से दुनिया को कितना फायदा होता है। नेचर ने मैडागास्कर देश को सब कुछ दिया है। यहाँ न तो पॉल्यूशन की कोई समस्या है और न ही पॉपुलेशन की, लेकिन फिर भी ये देश बहुत गरीब है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। कई तो ऐसे भी हैं जो कि एक टाइम का ही खाना खा के अपना काम चला रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश को लीमर की कंट्री भी कहा जाता है। जी हां, यहां पे आज के दिन भी 50 से 100 लीमर की अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनकी कुछ जातियों का अभी तत्काल भी पता लगाया गया है। कहा जाता है कि यहां आप जहां भी जाएंगे आपको लीमर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको बेहद ही शानदार रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कई प्रजाति के बहुत ही यूनिक टाइप के जीव मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको वाइल्ड लाइफ का शौक है और वाइल्ड लाइफ का मजा लेना है तो ये देश आपके लिए सही में बेस्ट है। ये आइलैंड नेशन अपने शानदार पेड़, शानदार पौधे और शानदार वाइल्ड लाइफ के चलते ही दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर आपको बेहद ही कमाल के जीव देखने को मिलेंगे और यहाँ का कल्चर भी पूरी दुनिया से अलग है। वैसे तो लोग कहते हैं कि यार जापान दुनिया से अलग है, लेकिन दोस्तों ये देश ना सही में पूरी तरह से दुनिया से आपको अलग लगेगा। मैडागास्कर की करेंसी मालदीव अरेली है, जो इंडिया के सामने काफी कमजोर है, और एक मालदीव अरेली हमारे इंडिया के सिर्फ 18 पैसे के इक्वल है। तो आप यार नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आखिर आप कब मैडागास्कर में जा रहे हो। मैडागास्कर के लोगों के बीच में मछली पकड़ने का काम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। समुद्र में मछली पकड़ना और उसके बाद उसे अपने ही देश में बेचना और पैसे कमाना यहाँ के लोगों का मुख्य रोजगार है। आपको बता दूं कि मैडागास्कर के उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में लाइमस्टोन का निर्माण होता है, जो एक तरह का चूना पत्थर है। इस पत्थर को सिंगी नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये पत्थर कहीं और नहीं मिलता इस देश को छोड़कर। क्या बात है। दोस्तों, यहां के लोगों के बीच में खेती का काम भी बहुत पॉपुलर है। यहां पर सबसे ज्यादा चावल उगाए जाते हैं और ये लोग भी दिन रात चावल ही खाते हैं। जी हां, यहां कोई और खाना पसंद नहीं किया जाता। मैडागास्कर देश की राजधानी का नाम है एंटानानारिवो, और यहाँ पर आपको लाइफ दूसरी जगह से अलग मिलेगी। ये इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है।
और कहा जाता है कि यहाँ पर आपको शाम का नज़ारा अलग किस्म का दिखता है। इस शहर में खुलेआम लोग पार्टी करते हैं और शाम होते होते यहाँ का माहौल भी पार्टी टाइम जैसा हो जाता है। वैसे आपको बता दें कि मेडागास्कर के लोग बहुत ही निडर हैं। यहाँ पर मुरेंगी नामक खेल खेला जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा खेल है, तो इस गेम में आपको एक बड़े से फाइट क्लब में बिना किसी हथियार की मदद से हाथों से लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक कि कोई एक उठने लायक न बचे या फिर वो खुद ही हार मान ले। दोस्तों, चूंकि इस देश में बहुत जंगल है, यहाँ पर पानी की भी कमी नहीं है, इसलिए इस देश में सबसे ज्यादा बंदर मिलते हैं। जी हाँ, इसे अब से आप कंट्री ऑफ मंकीज भी बोल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 100 से ज्यादा तरह के बंदर होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको इसी देश में देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस देश के लोगों के बीच में राइस यानी कि चावल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर मॉर्निंग में नाश्ता करते हुए लोग राइस बॉल्स खाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या होता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये राइस के बॉल्स तो होते हैं लेकिन इनके अंदर चिकन को डाल दिया जाता है और यहाँ के लोगों के बीच में ये बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट किसी भी बड़े फंक्शन में या फेस्टिवल में यहाँ के लोग राइस बॉल्स तो जरूर खाते हैं। वैसे मेडागास्कर के सांप भी दुनिया भर में मशहूर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर पाए जाने वाले 80% सांप बहुत ही जहरीले होते हैं। आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ सांपों को लेकर लोगों के मन में कितना डर रहता होगा। आमतौर पर तो दोस्तों सिर्फ सांप ही फुंकाते हैं, लेकिन यहाँ के ना कॉकरोच भी फुंकाते हैं, क्योंकि यहाँ के कॉकरोच पूरी दुनिया के कॉकरोचों से काफी ज्यादा अलग हैं। मेडागास्कर के ये कॉकरोच बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये कॉकरोच पूरी दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाया जाता और दोस्तों इस कॉकरोच का नाम है हिसिडन कॉकरोच। दोस्तों, मेडागास्कर ने दुनिया को वनीला का स्वाद दिया है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वनीला का। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कुल वनीला का 60% हिस्सा मेडागास्कर देश से ही होता है। क्या बात है, आज अगर हम सब वनीला फ्लेवर को एंजॉय कर पा रहे हैं तो उसके पीछे मेडागास्कर देश का ही हाथ है। ऐसा नहीं है कि ये देश सिर्फ वनीला ही एक्सपोर्ट करता है, यहाँ से उसके अलावा कॉफी, चीनी, शेलफिश, सूती कपड़े और पेट्रोलियम का भी निर्यात होता है। कई सारे लोग इस तरह की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर गरीबी बहुत है। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। दोस्तों, मेडागास्कर देश के साथ आने वाले समय में एक बड़ी समस्या हो सकती है और वो ये है कि यहाँ पर अब लोग अपने फायदे के लिए जंगल को साफ करने लगे हैं। जी हाँ, और हालत ये है कि अब तक कई ऐसे घने जंगलों की सफाई हो चुकी है जहाँ पहले तो जंगल थे लेकिन अब इंसान बस चुके हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले कई सालों में लोगों के लिए इस आइलैंड में सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि नो फॉरेस्ट मींस नो फर्दर लाइफ। समझिए इस बात को, आप भी पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए, काटिए मत। दोस्तों, कहने के लिए तो मेडागास्कर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बसा एक देश है, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों की चाल ढाल, खान पान बहुत हद तक साउथ एशिया के देशों की तरह है। कहा जाता है कि यहाँ पे आपको अफ्रीकन खाना मिले न मिले लेकिन एशियन खाना जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, 1960 में आकर मेडागास्कर को आजादी मिले थे, उससे पहले तक वो गुलाम थे फ्रेंच शासन के। हालांकि आज भी आपको इस देश में फ्रांस का प्रभाव साफ साफ नजर आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आज भी इस देश को एक फ्रेंच कॉलोनी की तरह बनाती हैं। यहाँ के मार्केट्स, यहाँ के लोग, सबके ऊपर फ्रेंच इन्फ्लुएंस है। दोस्तों, चूंकि इस देश में गरीबी है और यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ के लोगों के बीच में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भूत प्रेत बहुत माना जाता है और कई ऐसी ऐसी चीजें की जाती हैं जिसे देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान जिसको कि यहाँ का कल्चर नहीं पता वो डर जाए। आपको बता दूं कि यहाँ पर भूतों को पूजने की अलग ही परंपरा है। माना जाता है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक की बहुत मान्यता है। दोस्तों, यहाँ की गरीबी का एहसास आपको इसी बात से हो जाएगा कि यहाँ की सड़कों में सिर्फ 11% ही पक्की सड़कें हैं। जी हाँ, बाकी तो पूरे देश में आपको सड़कों की दुर्दशा ही दिखेगी। वो कहते हैं ना कि ऐसे रोड्स हैं कि जब भी आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपका हिलना डुलना कभी बंद ही नहीं हो रहा। अब क्या करें भैया, जब पैसा ही नहीं है तो सड़क कहाँ से बनाया जाए। आपको बता दें कि मेडागास्कर देश की महिलाएं बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं यहाँ के पुरुषों के मुकाबले। जी ये बात 100% सच है। इस देश की महिलाएं ही सारा काम करती हैं। यहाँ की लेडीज फिशिंग से लेकर कंपनी में काम करने तक का हर तरह का काम अपने परिवार को हेल्प करने के लिए करती हैं। लेकिन बहुत सारे पुरुष नशे के आदि हो चुके हैं और ये ज्यादातर अपना समय नशा करने में ही बिता देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या ही कहोगे, ये तो अपने परिवार को ही खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, इस देश में एक चीज जो आने वाले टूरिस्ट को बहुत डराते हैं वो है यहाँ का मच्छर।
वैसे तो मच्छर पूरे अफ्रीका में ही आतंक मचा रहे हैं, लेकिन मेडागास्कर किसी से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग मच्छर के काटने से मारे जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी इस देश में घूमने का प्लान बनाए, एक बात याद रखे कि यहाँ के मच्छर बहुत जानलेवा हैं। दोस्तों, एक और बात जो ये बताने के लिए काफी है कि अभी इस देश को बदलने में बहुत समय लग सकता है, वो ये है कि यहाँ पर स्कूल्स की संख्या बहुत कम है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम है। वैसे में दोस्तों, इसका खामियाजा भी उठाया है यहाँ के लोगों ने। आपको बता दें कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग HIV बीमारी से जूझ रहे हैं। जी हाँ, कई लोगों को तो ये पता तक नहीं है कि इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। आज भी एक खतरनाक बीमारी इस देश में बहुत तेजी से फैल रही है। अंत में आपको ये भी बता दूं कि इस देश में अगर आप घूमने जाएं तो एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स नामक जगह पे जरूर विजिट करें। ये यहां का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। कहा जाता है कि इस जगह पे हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं और इस जगह का आनंद उठाते हैं। यहां पर आपको लंबे लंबे बांस के पेड़ दिख जाएंगे। यहां जाने के बाद आपको लगेगा कि न जाने आप किस जगह पे आ गए हैं। भैया, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके अलावा कैपिटल सिटी एंटानानारिवो भी शाम के समय आपको एंटरटेन कर सकता है। यहाँ आप आराम से किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बियर की कैन लेके पी सकते हैं और सनसेट का स्पेशल व्यू देख सकते हैं। मेडागास्कर जाओ तो आप यहाँ के सिंगे ऑफ बीमारा विजिट करना ना भूलिएगा। यहाँ आपको कुदरत का ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो शायद ही कहीं और देखे। ये नेचुरल पार्क विशाल और नुकीली चट्टानों से बना हुआ है जो 5 मिलियन साल पहले ढकी हुई थी। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। ये प्राकृतिक आश्चर्य एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए अफ्रीका के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। तो फ्रेंड्स, ये था मेडागास्कर। कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप कभी गए हो? हाँ, बताइए जरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।